अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर बैंकों के 9 संगठनों की यूनाइटेड फोरम द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार की गलत नीतियों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की गई। अकोला शहर में बैंकों के 9 संगठनों की यूनाइटेड फोरम द्वारा जठारपेट स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा के सामने कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मचारियों को 20% वेतन वृद्धि, बेसिक पे में स्पेशल अलाउंस का विलीनीकरण, पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, नई पेंशन योजना को बंद करना, सभी को पुरानी पेंशन योजना लागू करना, अधिकारी कर्मचारियों के कामों की समयावधि निश्चित करना, बैंकों को 5 दिन का सप्ताह लागू करना, इन मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक कर्मचारियों के नेता श्याम माइनकर, दिलीप पिटके, प्रकाश दाते, सुनील दुर्गे, गजानन पवार, प्रसन्न उमालकर, नीलेश देशमुख, मंगेश डामरे, प्रशांत अग्निहोत्री, अभ्युदय ठोमरे, अनिल मावले सहित सभी कामगार संगठनों के 200 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए थे। अरे पेंशन चालू करना होगा।